भाई आज हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले मम्मी पापा और चाचा चाची सब लोग गए थे जैसलमेर, क्योंकि भाई उनका आर्मी का वहाँ पे प्रोग्राम था तो वहीं गए हुए थे। तो भाई आज हम उन्हीं लोगों को लेने जा रहे हैं क्योंकि उनका जो वहाँ का प्रोग्राम था वो सारा निपट चुका है आर्मी का। और भाई जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पड़ता है स्टेशन बरेली में, तो बरेली जंक्शन नाम से स्टेशन है, तो भाई वहीं उनको लेने जा रहे हैं अभी। और अगर आपको कार दिखाएं तो आज उस टाइम जब हम छोड़ने गए थे तब हम अमेज से छोड़ने गए थे क्योंकि उसकी सर्विस ड्यू थी, तो उसकी सर्विस वगैरह भी करवानी थी। तो भाई अभी लेने जा रहे हैं क्योंकि सामान ज़्यादा होगा, वहाँ से आ रहे हैं तो शॉपिंग वगैरह की होगी, तो इसलिए अभी इसीलिए किया सेल्टोस लेके जा रहे हैं अभी। और देखते आप लोग, अभी टाइम हो रहा है 11:51 और लगभग 1 बजे वहाँ 1:30 बजे ट्रेन पहुँच जाएगी। तो भाई अभी चलते हैं सीधा और दिखाते हैं आपको, रास्ते में बताते हैं क्योंकि आपको पता क्या है, अगर ज़्यादा सामान आपको रखना है तो भाई मतलब सेल्टोस बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि अमेज में क्या है, अमेज में डिग्गी है उसकी सेडान वाली। तो भाई सेडान में आपको पता है कि डिग्गी उसकी इस टाइप की है ना कि उसमें सामान आ तो ज़्यादा जाता है बट लिमिटेड टाइप का आ पाता है, मतलब इससे ज़्यादा बड़े बड़े सूटकेस नहीं आ पाएंगे, ज़्यादा हैवी सामान नहीं आ पाएगा, मतलब छोटे छोटे सामान है तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन 420 लीटर का बूट स्पेस है, बट भाई ज़्यादा बड़ा सामान नहीं आ पाता है उसमें। तो भाई अभी चलते हैं सीधा, और एक भाई से अभी ट्राईपॉड भी लेना है, अगर देखते हैं मिल जाता है तो चलिए। तो भाई अभी कटरा रोड पे आ चुके हैं, आपको पता है हमारे यहाँ से जो कटरा वाला रोड है ना वही सबसे अच्छा पड़ता है अगर बरेली जाना है आपके लिए, और सीधा रोड है बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं है इस पर। तो भाई आपको अभी दिखा देते हैं कार की कंडीशन। तो भाई अभी ट्रक वगैरह इधर बहुत ज़्यादा निकल रहा है इस तरफ से, और देखो भाई ये यहाँ पे प्लांट पूरा लगा हुआ है, जो रेता बजरी जो भी जाती है ना वो यहाँ जाती है भाई। तो अभी अपनी कार लेके निकलते हैं यहाँ से। और भाई अगर बात करें तो यहाँ से कटरा पड़ता है सिर्फ 15 किलोमीटर, वहाँ से बरेली जितना पड़ जाए लगभग 50-55 किलोमीटर पड़ता है अगर कटरा होके जाते हैं वरना, और दूसरी तरफ से अगर जाते हैं तो वहाँ से पड़ता है मैक्सिमम 45 या 50 किलोमीटर पड़ता है भाई। हेड लैंप ऑफ कर देते हैं। तो भाई इतना मतलब रोड भी बिल्कुल सीधा है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और चलने वाला रोड है भाई, तो इससे मतलब इससे अच्छा फिर कुछ कोई रोड होगा नहीं। तो भाई अब ज़्यादातर लोग अभी कटरा चल रहे हैं, और ये वाला जो रोड है ना ये भाई अभी 2 लाइन होने वाला है, बिल्कुल ही 2 लाइन होगा ये, और उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे जगह जगह पे। आपको आप देखना भाई ये रोड मतलब पुलिया वगैरह बन रही है, खुदा हुआ पड़ा है बिल्कुल ही। तो भाई वो अभी 2 लाइन बनने वाला है, और ये सीधा जाके रोड ये नेपाल से कनेक्ट होने वाला है क्योंकि ओवरब्रिज वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ अभी होने वाला है, और भाई बहुत दिन से रिक्वायरमेंट थी इस रोड को बनने की, लेकिन अभी ये आखिर बन रहा है, 3 साल का प्रोजेक्ट है भाई। तो अभी चलते हैं सीधा कटरा पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको कितना टाइम लगता है। देखिए ऐसी हालत है अभी इधर रोड की, इतना सब मतलब काम होने के बाद में, और ये देखिए इस टाइप से इसे पुलिया वगैरह यहाँ पे बनने को तैयार है अभी ये, और दिखाएं आपको तो धूल वगैरह इतनी ज़्यादा है ना, अगर कोई बाइक से निकल जाए एक बार यहाँ से तो भाई बिल्कुल हालत ख़राब समझिए उसकी। देखिए भाई बिल्कुल भी मतलब बाइक से निकलने लायक रास्ता नहीं है ये, और सामने अभी भी देखिए काम चल रहा है, देखिए भाई लगातार मशीनें चल रही हैं और इस पर मतलब इतना जोर से काम चल रहा है ना, 3 साल का प्रोजेक्ट है भाई ये, और सारा इनको अभी जल्दी जल्दी ही निपटाना है 3 साल के अंदर। भाई अगर बताएं तो यहाँ से बरेली वैसे ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि हाईवे है ना यहाँ पर, 4 लाइन रोड है, तो इस वजह से बरेली मतलब टाइम ही नहीं लगता है बिल्कुल, यहाँ से मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे यहाँ से बरेली तक अभी, और बल्कि आधा घंटा तो हमें कटरा खुदागंज से कटरा तक लग गया है। तो भाई इतना फ़र्क होता है रोड्स का। तो भाई चलते हैं अभी और आगे आपसे मिलते हैं बरेली पहुँच के। भाई अगर न्यू ब्रेजा ही बात करते हैं ना तो भाई रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी लगती ना इसकी, और भाई इसका रेड कलर देखिए भाई कितना आँखों को अट्रैक्टिव कर रहा है भाई। अगर इसकी बात करें तो भाई मतलब पहले तो रेड में इतनी बेकार लगती थी ना ब्रेजा भाई, बट अब जो लुक इन्होंने दिया है ना इसका भाई रेंज रोवर फेल है, और जो रेड कलर में इसका ये ड्यूअल टोन आता है भाई कलर, देखिए भाई ड्यूअल टोन कलर है, और भाई इतना मस्त लगता है ना रेड और ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन भाई, बहुत मस्त कलर है। फाइनली हम लोग यहाँ पर कैंट एरिया में आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से बस 1 या 1.5 किलोमीटर बचा है जंक्शन, क्योंकि भाई जो कैंटेरिया का रास्ता है ना यहाँ से बहुत पास में पड़ता है बरेली जंक्शन। तो भाई अभी इधर ही सीधा चलते हैं, मैप हमने लगा लिया है इसमें, और चलते हैं भाई अभी क्योंकि
ये जो रोड है ना बहुत ज्यादा सही पड़ता है, और बाकी बाहर की भीड़ भाड़ सबसे मतलब आप देख सकते हैं पूरा रोड बिल्कुल ये खाली है। पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन पर फाइनली, और 700 मीटर बचा है बस, आप देख सकते हैं सामने बरेली जंक्शन है भाई। और अगर बात करें तो भाई यहाँ तक पहुँचने में हम अंदर के कैंट एरिया के रास्ते से आए हैं, तो भाई हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यही होता है हम कैंट एरिया के रास्ते से आ सकते हैं, तो इसमें कम से कम हमारे मान लीजिए 15-20 मिनट आराम से बच गए हैं। और भाई सामने अभी जंक्शन है और सामने अभी फैमिली से आप लोगों को मिलवाते हैं, तो भाई देखिए इतना ज़्यादा टाइम मतलब बचता है हमारा यहाँ पर अगर हम इस तरफ से आते हैं। अब देखिए भाई सामने बिल्कुल जंक्शन है अभी और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी मुश्किल से बस अभी बचा है मैप के हिसाब से 300 मीटर, तो भाई इतना पास पड़ता है यहाँ से, इतना फ़ायदा है भाई कैंट एरिया का, भाई कार हो बाइक हो आराम से सीधे लेके निकल जाओ। तो भाई अभी जंक्शन पे आ चुके हैं हम लोग और भाई मिलते चल के फैमिली से। चलो भाई पहले कार पार्क करते हैं फिर उसके बाद में ढूंढते हैं कहाँ पर हैं ये लोग। मैप अभी भी चल रहा है, अभी देखना आप जैसे ही मैं ये वाला डोर ओपन करूंगा ना अपने आप मैप बंद हो जाएगा, डोर ओपन होने के साथ इसकी स्क्रीन बंद होती है। चलो भाई चलते हैं अभी देखते हैं कहाँ पर आएंगे लोग, लॉक कर दें से। तो भाई अभी फ़ोन किया चाचा को तो बता रहे कह रहे कि अभी ट्रेन का अनाउंस हो रहा होगा पहुँचने वाले हैं, बट अभी पहुँचे नहीं हैं, तो अभी चलते हैं भाई स्टेशन पर ही चलते हैं सीधा वहीं पे वेलकम करते हैं चल के, एक तो अरे बाल ऐसे हो जाते हैं ना। भाई अभी ट्रेन तो आ चुकी लग रहा है, शायद यही ट्रेन है, थे पीछे और आ रहे हैं सब लोग इधर सामने से, हम बहुत इधर पीछे खड़े थे और उतरे हैं सब लोग इस तरफ सामने, अब इधर दिखाएं तो हाँ सामान जी बाबू कहाँ गिरो तो बालक बताओ कहाँ पर गिरो तो बालक बालक हाँ? बालक वो कनम बैग पकड़े जात तो हाँ तो वो गिर पड़ो अच्छा, तो उसकी मम्मी ने बड़ चली गई तो बालक घिसी गो बालक अच्छा, स्क्रैच तो ना है बड़े बालक की पड़ी है अच्छा। इधर देखो जैसलमेर घूम के आए, ऊंट देखो कैसे तो बढ़िया तो कहते हैं एकदम क्या कहते हैं गिफ्ट पैक में रैप करके ऊपर स्टेट लगी होगी फूल वाली